ये अपना वही वाला खेत है जिसमें अपन ने अश्वगंधा लगाया था, और ये अब इसमें सेकेंड टाइम अपन पूरा फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं। एक बार पूरा अपन ने फ्लड इरिगेशन दे चुके हैं पूरे खेत में, और सेकेंड टाइम है। और ये लास्ट बस ये 4 क्यारे बचे हैं और ये पूरा खेत कंप्लीट होने वाला है बस। और ये अपना इरिगेशन जहाँ से आ रहा है वाटर सप्लाई, मेन पॉइंट ये वाला है, यहाँ से पूरा पानी अपने क्यारे में जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आई है सबसे पहले कि एक तो आप जब लपेटा पाइप का इस्तेमाल करते हो तो लीक, यहाँ तक कि जर्नी में सेकेंड टाइप के इरिगेशन तक आने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई एक तो लपेटा पाइप, ठीक है। लपेटा पाइप में होने वाले लीकेज बहुत प्रॉब्लम करते हैं अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको या तो खेत में रख देते हैं तब उसको कोई भी जानवर गिलहरी चूहे वगैरह काट जाते हैं तो लीकेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद अपन देखें सेकेंड प्रॉब्लम जो अपन फेस करते हैं वो है पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल इंजन कभी कभी अपने को बहुत परेशान करता है, इसलिए मोटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी। वो कभी आपको मतलब ऐसा फील नहीं होने देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी और कोई जो मेन प्रॉब्लम अपन फेस करते हैं कि कुएं के अंदर पानी का कम होना, अगर आपका इरिगेशन के टाइम पे आपके कुएं का पानी टूट जाता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में इस टाइम पे ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। बाकी तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। और हाँ, पहले इरिगेशन के बाद में पूरा जर्मिनेशन हो जाता है खेत के अंदर, तो अपन जर्मिनेशन टाइम 8 से 10 दिन का लेके चलते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम जैसे आप इरिगेटर देते हो तो आपकी फसल एकदम स्पीड से बड़ी होती है। तो जैसे आप फर्स्ट इरिगेट करते हो खेत को, उसके बाद 10 दिन के बाद आपको खेत के अंदर पूरा पूरा जर्मिनेशन दिखने लग जाएगा। लेकिन ये वेरी करता है सॉइल के ऊपर भी। अगर आपके पास इस टाइप की सॉइल है, ये थोड़ी कंकल वाली सॉइल है, लेकिन बाकी खेत में उधर साइड पूरी ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन बहुत जल्दी हुआ है। और इस टाइप की सॉइल में जर्मिनेशन लेट हुआ है। ये सेकेंड टाइम इरिगेटेड हो रही है, उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होगा, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम इरिगेशन के बाद ही उसमें जर्मिनेशन हो गया था। बाकी की अपडेट देता हूँ, चलो ठीक है ना।